Alright guys, what's up? Welcome back to the channel. I hope you guys doing absolutely fine. Before we straight into our video, आज का video start करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा. As you know कि कल मैंने अपने community tab पे एक post डाला था, जहाँ पे मैंने आपको एक target दिया था कि अगर इस particular post पे 2000 plus likes आ जाते हैं and 200 plus comments आ जाते हैं, तो जो next video रहेगा fam clasher का, वो एक face cam video रहेगा. अभी current time पे वो particular post पे कुछ something इतने likes आ गए हैं and कुछ इतने comments आ गए हैं. और आज रात 12 बजे तक अगर उस पे 2000 likes complete हो जाते हैं वो पर्टिकुलर पोस्ट पे, तो जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा फैम क्लैशर का, या फिर आप बोल सकते हो जो अगला वीडियो रहेगा फैम क्लैशर का, वो एक फेस कैम वीडियो रहेगा. सो देखते हैं कि क्या आज रात 12 बजे तक वो पर्टिकुलर पोस्ट पे 2000 लाइक्स कंप्लीट होते हैं या फिर नहीं. सो गाइस चलो भी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं. सो बेसिकली आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गरेना फ्री फायर के भेदभाव के बारे में, पार्शियलिटी के बारे में. आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि गरेना फ्री फायर पार्शियलिटी क्यों करता है अमंग डिफरेंट सर्वर्स. आप सभी को ये बहुत अच्छे से पता है कि गरेना फ्री फायर आज से नहीं, बहुत पहले से पार्शियलिटी करता हुआ आ रहा है. सो इसके पीछे के रीजंस क्या है और किस वजह से ये पार्शियलिटी करता है गरेना फ्री फायर, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं. एंड वन मोर थिंग, आज का वीडियो उतना लंबा नहीं होने वाला है. एज यूजुअल ट्राई करूंगा मैं बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करने का. सो गाइस प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. अब गाइस ये चीज़ तुम सभी को एकदम अच्छे से पता है कि गरेना फ्री फायर कितना पार्शियलिटी करता है, गरेना फ्री फायर कितना भेदभाव करता है अमंग डिफरेंट सर्वर्स. तुम कॉस्ट्यूम्स को ले लो, तुम बंडल्स को ले लो, या फिर तुम इवेंट्स को ले लो, यहाँ तक कि तुम डायमंड्स के प्राइस को ले लो, ये सभी चीज़ें वैरी करती है सर्वर टू सर्वर. तुम सभी को ये भी पता होगा कि कुछ कुछ ऐसी चीज़ें थी जो दूसरे सर्वर्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी, एंड वही सेम चीज़ें अपने इंडियन सर्वर्स पे प्लेयर्स को पैसे दे के खरीदनी पड़ी. एंड गाइस आई थिंक सो कि ये तुम्हें अच्छे से पता होगा, आर्कटिक ब्लू जो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेबल बंडल रह चुका है क्या अभी भी है, वो दूसरे सर्वर्स पे बहुत सारे प्लेयर्स को मैजिक क्यूब में मिल गया. और जब बात आई अपने इंडियन सर्वर की, तो यहां पे गरेना ने इसे लक रॉयल में डाल दिया. तुम आओ अपने डायमंड्स को वेस्ट करो, मिल गया तो सही, नहीं मिला तो तुम्हारे डायमंड वेस्ट गए. देखो गाइस ये आर्कटिक ब्लू बंडल तक की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे कॉस्ट्यूम्स आ चुके हैं, बहुत सारे ऐसे बंडल्स आ चुके हैं जो दूसरे सर्वर्स पे बहुत ही कम प्राइस में सभी प्लेयर्स को मिल जाते हैं एज कंपेयर टू इंडियन सर्वर्स. और जब बात आती है अपने इंडियन सर्वर की, तो वही सेम कॉस्ट्यूम, वही सेम बंडल डबल प्राइस में सभी को मिलता है. देखो गाइस ये प्राइसिंग तक की बात नहीं है, गन मैकेनिज्म में भी यहां पार्शियलिटी होता है, आप सभी को ये बात अच्छे से पता है. इवन दो मैंने इस टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा हूं इस चैनल पे, जहां पे मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे सर्वर्स हैं, कुछ ऐसे लिमिटेड सर्वर्स हैं जहां पे गन्स के एट्रीब्यूट्स नहीं रहते. गन इज लाइक, आई मीन गन स्किन इज लाइक कि आप दिखा सकते हो मेरे पास ऐसी स्किन है, ऐसी स्किन है, बट जो उसका पावर रहेगा वो एकदम सेम रहेगा. सो प्राइसिंग तुम ले लो, कॉस्ट्यूम्स तो ले लो, कुछ भी तुम ले लो, हर चीज में गरेना ने भेदभाव किया है अमंग डिफरेंट सर्वर्स, जो कि गरेना को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए. गरेना फ्री फायर को सभी सर्वर्स को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, अगर तुम्हारा वहां से प्रॉफिट हो रहा है तो भी, नहीं हो रहा है तो भी. और अपना इंडियन रीजन ऐसा है नहीं कि जहां पे लोग गेम में पैसा नहीं लगाते या फिर बहुत कम खेलते हैं. एंड गाइस एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो कि आज का वीडियो उतना लंबा नहीं होने वाला है एज यूजुअल. सो गाइस गरेना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पार्शियलिटी करता है, बहुत ही ज़्यादा भेदभाव करता है अमंग डिफरेंट सर्वर्स, और स्पेशली इंडियन सर्वर में तो बहुत ही ज़्यादा पार्शियलिटी होता है. यहाँ तक तुम ई स्पोर्ट्स को भी ले लो, ई स्पोर्ट्स के कुछ अच्छे टीम्स को निकाल दिया जाता है एंड बाद में उनसे अपोलोजाइज करके उन्हें वापस ले लिया जाता है. तुमने वापस तो ले लिया, बट उतने टाइम में वो लोग कितने डीमोटिवेट हुए रहेंगे, वो लोग को कैसा फील हो रहा रहेगा, तुमने वो नहीं देखा. सो गाइस चलो भी इस पे बात कर लेते हैं कि इसके पीछे का रीजंस क्या है, गरेना फ्री फायर ऐसा क्यों करता है, पार्शियलिटी क्यों करता है अमंग डिफरेंट सर्वर्स, भेदभाव क्यों करता है, सभी सर्वर्स पे इक्वली क्यों नहीं ट्रीट करता, इसके पीछे का रीजन क्या है, गरेना फ्री फायर को क्या आ पड़ा कि गरेना फ्री फायर ये चीज करते हुए आ रहा है. देखो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, मैंने कुछ लोगों से कंसल्ट भी लिया, उनसे पूछा जो लोगों को ये फील्ड में अच्छे से पता है कि ऐसा ऐसा बैकवर्ड्स में सिनेरियो होता है, तभी जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ऐसे कोई भी बातें मैं हवा में नहीं करने वाला हूं. सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट द मेन रीजन बिहाइंड दिस शिट. ये होने का जो मेन रीजन है ना, जो मेन रीजन एकदम पक्का वाला रीजन, वो है यूट्यूबर्स. अपने इंडियन सर्वर में ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो एक ही चीजों को सराउंड करते रहते हैं, ऐसे इनका क्रिएशन से जो ऑडियंस को डम बनाते रहता है. आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्या चीज की बात कर रहा हूं, यहां पे कंटेंट क्रिएटर का क्रिएशन ही ऐसा है, तो ऑडियंस बढ़ेगी कैसे, ऑडियंस का दिमाग कैसे बढ़ेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. यहां के जो कंटेंट क्रिएटर है वो एक ही चीजों को सराउंड करते रहेंगे. आपको पता है आलोक आया है, तब से अभी आलोक को ही सराउंड किया जा रहा है. तुम कोई भी एक लाइव स्ट्रीम देख लो, लिटरली तुम ज्यादातर लाइव स्ट्रीम देख लेना, वहां पे यही लिखा रहेगा डीजे आलोक गिव अवे, या फिर ये फलाना चीज का गिव अवे. आपने देखा होगा और अभी भी ये चीज हो रही है. और दूसरे सोर्स पे
बात करें तो दूसरे शोज पे ऐसा नहीं होता, बिना गिव अवे के भी ऑडियंस आ जाती है, बिना गिव अवे के भी व्यूअर्स आ जाते हैं। और जो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो मैंने किसी से कंसल्ट लेके ही बताया हूँ, ऐसे कोई भी बातें मैंने हवा में नहीं किया हूँ। सो अगर इंडियन शोज पे जितने भी यूट्यूबर्स है, भले ही उनका 9 मिलियन हो, 10 मिलियन हो, 5 मिलियन हो, 1 लाख हो, 50 हज़ार हो, 20 हज़ार हो, अगर सभी यूट्यूबर्स यूनाइट हो जाए और यूनाइट हो के गेम की रेटिंग गिरवा दे, तो मैं आपको लिख के देता हूँ जो ये करे ना, फ्री फायर है एक ही दिन में सभी चीज़ें सही कर देगा, चाहे वो गन की स्किन्स हो या फिर वो फ्री के बंडल्स हो जो कि महंगे प्राइस में मिल रहे हैं, सभी चीज़ें एक ही दिन में सही कर देगा, कोई भी ऐसी बेकार चीज़ें नहीं रहेंगी अपने गेम में और अपने इंडियन शो में। बट ये चीज़ होने से रही, क्योंकि जो ज़्यादातर करके बड़े यूट्यूबर्स हैं उन्हें गरेना फ्री फायर एज अ पार्टनर प्रोग्राम में ले लेता है एंड अपना ऑफिशियल पार्टनर प्रोग्राम का मेंबर बना देता है, क्योंकि गरेना फ्री फायर को पता है अगर इसके पास इतनी ज़्यादा ऑडियंस है और ये ज़रा सा भी डिसअपॉइंट होगा कोई बातों को लेकर गरेना फ्री फायर में, तो वो इस पर वीडियोज़ अपलोड कर देगा और कल को ये ऐसा वीडियो ना अपलोड करते जहाँ पर ये ऐसा बोले कि गरेना फ्री फायर की जाकर रेटिंग गिराओ। सो गरेना फ्री फायर को यही चीज़ का डर है, इसलिए गरेना फ्री फायर जितने भी ज़्यादातर के मोस्ट ऑफ देम बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं ना, उनको अपने पार्टनर प्रोग्राम में ले लेता है। सो वही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर जितने भी क्रिएटर्स हैं सभी क्रिएटर्स यूनाइट हो जाए और सभी क्रिएटर्स गरेना फ्री फायर की रेटिंग गिरा दे, सो आई एम डैम श्योर लिख के देता हूँ कि गरेना फ्री फायर एक ही दिन में पूरा चेंजेस कर देगा, पूरा काया पलटी कर देगा अपने गेम का। एंड गाइस जो सेकंड रीजन है, देखो यहाँ पे वो पॉसिबिलिटी भी हो सकती है या फिर रीजन भी हो सकता है, गरेना के मेन ऑफिशियल को रिपोर्ट लेना चाहिए, एक सर्वे कराना चाहिए, देखो ये ओपिनियन है मेरा, एक सर्वे कराना चाहिए जहाँ पे उन्हें प्लेयर से अपने ये पूछना चाहिए, अपने यूजर से ऐसा पूछना चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ बेकार लग रही है ये गेम में और कौन सी चीज़ आपको पसंद आ रही है, क्या चीज़ इसमें आना चाहिए क्या चीज़ नहीं आना चाहिए, सर्वे कराने के बाद ही कोई भी चीज़ों को इंप्लीमेंट करना चाहिए अपने गेम में यहाँ पे। बट ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ये अपने मन मुकाबले करते रहते हैं सभी चीज़ें, यहाँ पे अपने यूजर्स की ओपिनियन नहीं लेते, यूजर्स की सजेशन नहीं लेते, अपनी जो भी मन करता है वो चीज़ों को यहाँ पे ये इंप्लीमेंट कर देते हैं और यही चीज़ होते आ रहा है। इसके पीछे के रीज़न हो सकते हैं एम्प्लॉयर्स भी हो सकते हैं, क्या भरोसा कि वो रिपोर्ट ही ना देते हो या फिर गलत रिपोर्ट देते हो या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकता है। एंड एज आई सेड ये रीज़न भी हो सकता है या फिर पॉसिबिलिटी भी हो सकता है। एंड गाइस जो इसके पीछे का थर्ड रीज़न है, जो हम बदल भी सकते हैं, आई मीन इसमें चेंजेस ला भी सकते हैं, वो है ऑडियंस। उसके पीछे का रीज़न है हम, अगर हम जैसे ऑडियंस ऐसे ऐसे क्रिएटर्स की क्रिएशन ना देखे जो आलोक एक ही चीज़ों को सराउंड कर रहे हैं पूरे इंडियन फ्री फायर गेमिंग कम्युनिटी में, तो वो क्रिएटर जो रहेगा ना वो डिप्रेस्ड हो जाएगा एंड अपने कंटेंट को स्विच कर लेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि क्रिएटर्स को ऐसा कंटेंट नहीं डालना चाहिए, एक दो बार सही लगता है, बट डूइंग दिस थिंग मल्टीपल टाइम इज नॉट गुड एट ऑल। ऐसा नहीं करना चाहिए, एक ही चीज़ों को बार बार पोर्ट्रे करके मतलब नहीं है, ऑडियंस के मन में एक ही चीज़ चलता रहता है और ये चीज़ हमारे हाथ में है। अगर हम क्रिएटर्स की ऐसे क्रिएशंस को देखना बंद कर दे तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। सो गाइस बस आज के वीडियो में इतना ही, ये वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे एंड, दैट इज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को कर देना एक लाइक, अगर नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन, प्लीज़ कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस टाइप के कंटेंट देखने को मिलते रहेंगे। सो गाइस दैट्स प्रीटी मच फॉर दिस वीडियो, दिस वॉज मेहुल साइनिंग ऑफ, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस।